वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे स्टूडेंट्स वी विल डू चैप्टर 13 सिमेट्री मिरर इमेजेस. एक्सरसाइज 13.3 में मिरर इमेजेस का टॉपिक है. दैट विल डू टुडे. ओके थ्रू एन एक्टिविटी स्टूडेंट्स मैथ्स की एक्टिविटी के फॉर्म में 13.3 एक्सरसाइज जो है हम कर रहे हैं. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव डन सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.2 में. तो फर्स्ट टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स इज शोन अलोंग विद द वर्टिकल लाइन. टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन. फाइंड विच लेटर लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड विच डू नॉट. एंड ट्राई दीज वर्ड्स ओ ई एम एन पी एच एल टी एस यू वी. स्टूडेंट्स मिरर इमेजेस आज जो हैं आपको चेक करनी है. ये वर्टिकल लाइन आपके पास गिवन है तो इन अल्फ़ाबेट्स के लिए भी आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स गिवन है इनके लिए भी आपको मिरर इमेज चेक करनी है. सपोज स्टूडेंट्स ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ए. इसकी मिरर इमेज चेक करनी है. ठीक है एक तो मेथड है कि आप यहाँ पे मिरर रखिए. ठीक है इस वर्टिकल लाइन में मिरर रखिए और उसमें से आप ए इमेज को चेक करें. उसमें से आप ए इमेज को देख सकते हैं तो वो कुछ इस तरह से शो होगी. दिस इज़ द मिरर इमेज ऑफ ए. और जो बी है बी जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट्स. क्लियर. सपोज स्टूडेंट्स दिस इज ए. ये आपके पास ए है. ठीक है और ये एज इट इज शो होगा. नाउ बी दिस इज बी. और जब हम इसे चेक करेंगे तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में, जो राइट वाला पार्ट है वो एक तरह से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. जैसे ये तो बी इस तरह से कुछ शो होगा स्टूडेंट्स. क्लियर. एक तो मेथड यही है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे मिरर रखें उसमें से चेक करें कि ए कैसा शो हो रहा है और बी की मिरर इमेज क्या है. एक मेथड क्या है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है ब्लैंक पेपर. ठीक है आपने उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट करना है ए. हमने ये लेटर राइट किया ए और जब आप इसे टर्न करेंगे तो इसकी बैक साइड पर ए की इमेज आपको शो होगी. वो इमेज जो भी शो हो रही थी स्टूडेंट मैंने उसे ठीक है ड्रॉ कर लिया है. तो एक इमेज कुछ इस तरह से शो हो रही है. दिस इज़ द मिरर इमेज ऑफ ए. ये सेम है आपके पास. अब हम टू ग्रुप्स बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है. एक तो आपको यही है कि लेटर्स लुक सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड लेटर्स डू नॉट लुक सेम. तो ए का इमेज तो सेम आया है स्टूडेंट्स. ठीक है आपने ऐसे करना है ये इमेज सेम आया लेटर ए का. दिस इज़ द मिरर इमेज ऑफ ए. ये सेम आया है. दिस इज ए. आप कलरफुल ऐसा फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल है स्टूडेंट्स. आप ऐसा इससे भी अल्फ़ाबेट कट करके एक्टिविटी को कर सकते हैं. दिस इज ए. नाउ स्टूडेंट्स बी. दिस इज बी. ठीक है अगर मैं इसे ऐसे टर्न करके चेक करूँगी दिस इज़ द मिरर इमेज. तो बी कुछ ऐसा तो नहीं होता. ओरिजिनल बी तो आपके पास ये है बट मिरर इमेज ही आई है. येस तो ये कौन से ग्रुप में आएगा. सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है मिरर इमेज सेम नहीं है. नेक्स्ट लेटर उसने बोला है चेक करने को स्टूडेंट्स आपके पास ओ. दिस इज लेटर ओ. हमने चेक किया सेम आ रही है इमेज. दिस इज मिरर इमेज. यस ओ. जब आप इसे इस तरह से देखेंगे तो भी ये सेम ओ ही नज़र आ रहा है. ये सेम. नेक्स्ट लेटर है स्टूडेंट्स आपके पास ई. दिस इज इंग्लिश लेटर ई. अब इसे टर्न करके चेक करेंगे ये इस तरह से कुछ आया है. दिस इज तो बट ई ऐसे तो नहीं होता. ठीक है ओरिजिनल ई तो आपके पास इस फॉर्म में होगा. ये होगा ना ओरिजिनली. तो ये आपके पास मिरर इमेज सेम नहीं आई. यस नेक्स्ट है आपके पास एम.
एम लेटर ये इसकी मिरर इमेज सेम है, दिस इज एम. नेक्स्ट लेटर आपके पास एन. अब इसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये एन की मिरर इमेज ये शो हो रही है आपके पास, ठीक है. तो ये सेम नहीं है बिकॉज ओरिजिनल एन तो आपके पास ये है, ठीक है. तो ये स्टूडेंट इसकी इमेज जो है वो सेम नहीं आई. एन. नेक्स्ट लेटर है स्टूडेंट्स आपके पास पी. दिस इज पी इमेज, मिरर इमेज ये कुछ इस फॉर्म में शो हो रही है, ये सेम नहीं आई है. यस, बिकॉज ओरिजिनल पी इज दिस, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये मिरर इमेज सेम नहीं है. पी की नेक्स्ट है आपके पास एच. ये तो सेम शो हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये एच है और इसकी मिरर इमेज भी सेम है कुछ इस तरह से ही. एच इज सेम. नेक्स्ट है एल. दिस इज लेटर एल और अगर इसकी मिरर इमेज हम चेक करें तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, बट ओरिजिनल एल ऐसे है तो ये सेम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये इस वाले ग्रुप में ही आ जाएगा कि मिरर इमेज सेम नहीं शो होगी एल की. नेक्स्ट है आपके पास टी. लेटर टी और इमेज सेम है स्टूडेंट्स इसकी इमेज, ठीक है. ओरिजिनल टी भी ये है आपके पास, दिस इज सेम. एस. दिस इज लेटर एस. अगर आप इमेज चेक करेंगे तो ये एस कुछ इस तरह से हो गया, तो सेम नहीं है ये. यस, वैसे एस आपके पास ये होता, दिस इज नॉट सेम. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वी. अब इसकी चेक करेंगे, सेम आ रही है ये आपके पास. यस, क्योंकि ओरिजिनल वी भी ये है और मिरर इमेज भी ये, तो सेम है. लास्ट है स्टूडेंट एक्स. ये लेटर एक्स, मिरर इमेज सेम है, ओरिजिनल एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये भी किस में आएगा, इसमें. यस, तो ये स्टूडेंट्स टू ग्रुप्स हो गए यहाँ पर आपके पास. लेटर्स लुक सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओ एम एच टी वी एंड एक्स. इन सबका जो मिरर इमेज है ओरिजिनल लेटर के बाद भी चेक करने पे सेम ही है, ठीक है. लेटर्स लुक सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन. ए ओ एम एच टी वी एंड एक्स. एंड द लेटर्स डज नॉट लुक सेम, जो कि सेम नहीं है. दीज आर एल एस बी ई एन एंड पी. इनका डिफरेंट आया था और आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं. एस है, एल का मिरर इमेज सेम नहीं आया. बी ई, दिस इज एन एंड पी. सो स्टूडेंट्स आपने ये भी ये एक्टिविटी जो है करना है. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. बट आप ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स कट करेंगे, ठीक है. चाहे तो पेपर पे कट करके चेक कर सकते हैं और चाहे ये इस टाइप की फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, इसे भी कट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये एक्टिविटी आपको करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.